आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आपके भीतर विराजमान भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सब मेरे इस चैनल शिव शक्ति धाम से जुड़े हुए हैं, और जो भक्त बड़ी ही निष्ठा के साथ भगवान की आराधना करना चाहते हैं और छोटी छोटी सी बातों को जानकर अपनी पूजा को और उत्तम बनाना चाहते हैं, मेरे विचार उन सभी के लिए हैं। आप सब जय माता दी और जय भोलेनाथ कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको बहुत सुंदर जानकारी देने चाहती हूँ, और क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत, बहुत सारी पूजा विधि और कई प्रकार की आराधनाएं हैं, मैं बात करना चाहती हूँ आज भगवान शिव की। भगवान शिव हम सभी के गुरु हैं, और हम भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं कि भोले भाव से भगवान की आराधना करने से भगवान शिव हमसे बड़े प्रिय प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को अपना भोला भाव दिखाकर हम भगवान की संतान के रूप में अपने आप को दिखाते हैं। भगवान शिव की आराधना करने के लिए एक बहुत सुंदर समय आता है जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। मैं बात कर कहती हूँ कि जैसे आप एकादशी द्वादशी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से त्रयोदशी का व्रत आता है। इस त्रयोदशी के व्रत को ही हम प्रदोष की पूजा कहते हैं। प्रदोष का अगर कोई व्रत रखना चाहता है और या फिर केवल आराधना करना चाहता है, तो उसके लिए एक नियम, एक विधि है। पहली बात तो इस व्रत को हमें कैसे करना है या इस पूजा को हमें कैसे करना है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने से प्रदोष व्रत जो है हमें उत्तम फल प्रदान करने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखकर ही आप इस पूजा को करें। मैं सबसे सरल तरीके से आपको इस विधि को बताऊंगी। पहली बात कि भगवान शिव के लिए अगर हम प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत चुनते हैं या पूजा को चुनते हैं, तो उसके लिए हमें सुबह उठकर सबसे पहले स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करना है। शुद्ध वस्त्र का अर्थ होता है साफ सुथरे, और उसमें रंग का बहुत उपयोग जरूरी है कि आप नीला या काला रंग का वस्त्र त्रयोदशी के दिन धारण ना करें। भगवान शिव की आराधना करने के लिए हमें एक चौकी को सजाना होता है। इस चौकी पर भगवान शिव के पूरे परिवार को विराजमान करें, भगवान की पूर्ण रूप से अर्चना करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य और प्रसाद चढ़ाकर दक्षिणा रखकर भगवान शिव की ज्योत जगाकर और उनकी आरती और चालीसा से हमें कार्य को शुरू कर देना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं तो भी अगर वो किसी भी रूप में अपनी किसी मनोकामना को रखकर भी इस व्रत को या इस पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं। त्रयोदशी की पूजा शिव परिवार के साथ साथ शिवलिंग की भी की जाती है। शिवलिंग पे हमें भगवान को दूध दही चढ़ाकर, गंगा जल चढ़ाकर और घी नैवेद्य या शक्कर सभी प्रकार की वस्तुओं से उनका अभिषेक करना चाहिए, और उसके बाद हमें भांग, धतूरा, सफेद आंख, सफेद पुष्प, बिल्व पत्र इत्यादि चढ़ाकर हम भगवान की शिवलिंग रूप की पूजा करते हैं। त्रयोदशी वाले दिन हम शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव की आरती करें। आरती करते समय सिर को हमेशा ढककर रखें और भगवान को नैवेद्य चढ़ाना न भूलें। अगर हम मंदिर जाते हैं या घर में ही आराधना करते हैं, इसके लिए हम आगे बात करेंगे। जैसे आपने सुबह की पूजा कर ली है,
प्रदोष काल का जो अर्थ है वो शाम की पूजा से जोड़ा जाता है, यानी अगर आप इस पूजा को करेंगे तो आपको शाम को सूर्य अस्त होने से 45 घंटे 45 मिनट पहले या फिर 45 मिनट बाद हमें भगवान शिव की आराधना करनी है। उसके लिए हमें स्नान करना है शाम को और फिर भगवान शिव की आराधना करनी है। शाम के समय हमें भगवान शिव के समक्ष दो दीपक लगाने चाहिए, जो कि एक तेल का होता है और दूसरा होता है देसी घी का। दो दिए लगाकर ही हम भगवान शिव की आराधना करें और भगवान की आरती और भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के बाद ही हम इस पूजा को पूरा करते हैं। जो व्यक्ति इस पूजा को करना चाहता है उसको सुबह ही प्रदोष काल की पूजा का संकल्प जरूर ले लेना चाहिए। और जैसे ही आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत की विधि क्या है, व्रत की विधि के अनुसार इस व्रत को फला आहार से ही रखा जाता है। आप सारा दिन जो है अन्न नहीं खा सकते हैं। कुछ लोग निर्जल होकर भी इस व्रत को रखते हैं, किंतु आप जल लेकर और फलाहार ही से ही इस व्रत को पूर्ण करें और शाम को भगवान को भोग लगाकर आप इस व्रत को खोल सकते हैं। फलाहार में आप बना हुआ भोजन भी खा सकते हैं और कच्चा फल फूल खाकर भी इस व्रत को आप रख सकते हैं। इस व्रत को रखने के लिए फल की अगर आप और हम बात करें, जिसे संतान नहीं होती, जिसे पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा होती है और या फिर किसी विशेष मनोकामना के लिए भी हमें त्रयोदशी का व्रत प्रतीक स्त्री को रखना चाहिए। स्त्री के लिए इसलिए क्योंकि सुबह और शाम के दो समय की पूजा के बिना प्रदोष का व्रत पूर्ण नहीं होता है। कुछ लोग इस दिन भगवान शिव को हरे मूंग जो है वो बनाकर चढ़ाते हैं। खुद नहीं खाना, आपको उन्हें चढ़ाना है। भगवान शिव की आराधना करने के लिए सफेद पुष्प और सफेद मिठाई का होना बहुत जरूरी है। नैवेद्य चढ़ाते समय हमें ध्यान रखना है, आप फलाहार के रूप में कोई भी खीर बना सकते हैं और उस खीर का ही भोग आप भगवान शिव को लगा सकते हैं। प्रदोष की कथा को आप सुन सकते हैं, नहीं तो आरती और चालीसा करने के बाद आप उनके नाम की माला जाप कर सकते हैं। देखिए, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है, आसन लगाएं और कोई एक मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय कह के कर सकते हैं, ओम शिवाय नमः बोल सकते हैं, ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नोह रुद्रः प्रचोदयात् आप बोल सकते हैं, ओम आशुतोषाय नमः। इस प्रकार से आप भगवान शिव की आराधना करने के लिए रुद्राक्ष की माला से एक माला सुबह और एक माला शाम को जाप अवश्य अवश्य करें। भगवान शिव हम सबके गुरु हैं। अगर हमने गुरु धारण किया हुआ हो तो इस माला से पहले हमें एक माला गुरु मंत्र की अवश्य जाप करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने से हमारे मन को स्थिरता आती है, हमारे ग्रह मजबूत हो जाते हैं और कोई दोष अगर हमारे कुंडली में आ रहा होता है या कोई पितृ दोष लग रहा होता है तो भी त्रयोदशी की आराधना करने से सारे पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है। लाभ मैं आपको बता ही चुकी हूं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, हमें नीले काले कपड़े नहीं पहनने हैं, किसी और के घर जाकर इस व्रत को खोलना नहीं चाहिए। अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर भी अगर आप जाते हैं तो अपने ही पैसों के साथ इस व्रत को हमें उद्यापन करना है या उस दिन का व्रत हमें खोलना चाहिए। भगवान शिव की प्रदोष के जो भी व्रत आप संख्या में करना चाहते हैं उस संख्या को आप पहले दिन ही निर्धारित कर लें कि आप 11 त्रयोदशी करना चाहते हैं, 21 करना चाहते हैं या कम से कम
पांच या सात आपको अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार से क्रोध नहीं करना है, मन में किसी के प्रति मैल लाने से भी त्रयोदशी का जो व्रत है वो विफल हो जाता है। मन में क्रूरता का भाव नहीं रखना है। अगर जो व्यक्ति अपशब्द बोलते हैं, ध्यान रखें कि त्रयोदशी के व्रत वाले दिन या किसी भी व्रत को आप रख रहे हैं तो आपके जीवन में अगर मैल है तो आपको फल की प्राप्ति कम हो जाती है। मन और शरीर को शुद्ध भाव रखकर ही हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अगर आप महामृत्युंजय जाप करते हैं किसी के रोग मुक्ति के लिए, तो आप इसके संकल्प उस व्यक्ति का नाम लें और उसकी रोग मुक्ति की कामना करें, और फिर जो माला आपको करनी है वो महामृत्युंजय मंत्र से करनी है। अगर आपको प्रदोष की पूजा का विधान समझ में आया है और अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस व्रत को, मेरा पूरा यूट्यूब चैनल जहां से भी इस वीडियो को देख रहा है, इस कार्य को कर सकता है। ये वचन भगवान शिव ने मुझे ज्ञात कराए हैं और मैं अब आपको ये विचार व्यक्त कर रही हूँ। जो कुछ भी आप करते हैं भगवान के लिए वो अवश्य ही आपके जीवन में लाभ देता है। इसलिए सदैव भगवान के श्री चरणों से जुड़े रहें और अपने जीवन के सभी मनोरथ को पूर्ण करें। आप सभी भक्तजनों को जय माता दी, जय भोलेनाथ।